देश में वधी रहेला कोरोना ना केस बाद 10मी अने 11मी एप्रिले समग्र देश में तमाम हॉस्पिटल्स पर मॉकड्रिल ना केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया आपेला निर्देश बाद देश में मॉकड्रिल नुं आयोजन करायुं हतुं, जेना भागरूपे राजधानी नवी दिल्ली में केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया की उपस्थिति में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल खाते मॉकड्रिल योजाई हती। आवो जोईए अमारा संवाददाता मनोहर केसरीनो विशेष अहेवाल। कोरोना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे हैं। जिस प्रकार से देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अस्पतालों में क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से टेस्टिंग की सुविधा की गई है, ये आप देखिए। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर एक कोविड जाँच केंद्र है, स्क्रीनिंग सेंटर है, यहाँ मरीज आते हैं और अपना सैंपल्स दिखाते हैं। तो इसके अंदर मनसुख मांडविया हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, और वो लगातार जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार जो तैयारियां हैं क्या वो मुकम्मल है, क्योंकि हम बीते एक हफ्ते से देख रहे हैं कि लगातार कोविड के मामले दोगुने हो चुके हैं। सोमवार की बात करें तो सोमवार को 5,880 मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि ये देखने को मिल रहा है कि लोग ज़्यादा हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं, घर में ही ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो इन्फेक्शन रेट है, जो नए कोविड के सब लीनेज हैं, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट हैं, उनके इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह से लगातार, ये आप देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लगातार मुआयना कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं सुविधाओं को लेकर के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चाहे डॉक्टर हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, इन सब को लेकर के वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि मरीज जब आते हैं तो उन्हें दूसरे मरीजों से अलग रखना होता है, कई चुनौतियां होती है, ऐसे में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की ओर से भी व्यवस्था की गई है, सेपरेट आईसीयू की व्यवस्था की गई है, अलग वार्ड्स की व्यवस्था की गई है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जायजा लिया और बताया कि पूरी तरह से तैयार है, लेकिन लोगों को डरने की ज़रूरत